हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी अ सब्जेक्ट AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1। अगर मैं बात करूँ थर्ड सेम में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको AHN ही लग रहा होगा। AHN इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। पहले ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से आता था, बट अब इसको नए में चेंजेस आए हैं, अब इसको हम लोग कहते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, शॉर्ट में हम लोग AHN कह देते हैं। वॉल्यूम 1 आप पढ़ेंगे थर्ड सेम में, वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे आप फोर्थ सेम में। लेकिन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में कॉन्सेप्ट वही है, बस फ़र्क इतना है चैप्टर्स चेंज होंगे आपके। जब आप वॉल्यूम 1 पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारे डाउट आते होंगे कि इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा डिजीजेज है, एग्ज़ाम टाइम पर कैसे लर्न रहेंगे, इतने डायग्नोसिस है, इतनी मैनेजमेंट्स हैं, पता नहीं क्या से क्या है AHN। तो AHN का अगर मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स शेयर कर दूँ तो वो आपके लिए AHN सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। AHN सब्जेक्ट सबसे पहले मैं बता दूँ, आपके टोटल 11 यूनिट हैं, मतलब कि टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में मेंशन है INC के द्वारा, जो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपका टोटल 75 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स आपको 3 आवर्स का वक्त मिलेगा AHN सब्जेक्ट के लिए। AHN सब्जेक्ट आपका अकेले होगा, इसके साथ में आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे बहुत ज़्यादा डाउट होता है ना कि फर्स्ट सेम में आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी साथ में होता, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी साथ में होता, सेकेंड एग्जाम में जब आप आए थे तो बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन साथ में था, थर्ड एग्जाम में आपका साथ में होगा इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी। तो आपका AHN सब्जेक्ट अकेले होगा, इसका मतलब आप सिंगल AHN सब्जेक्ट 3 घंटे सॉल्व करेंगे। पेपर लेंदी होगा, पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा नहीं होगा वो तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पे ही पता चलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर एक जैसा नहीं बनाती है। अगर मैं बात करूँ, आपने सेकेंड एग्जाम का यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, मतलब कि जो डाइसी होते हैं, जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं तो शायद उन टॉपिक्स को वो स्टूडेंट्स देखते भी नहीं हैं, वो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ गए थे। तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अभी आपके पास बहुत समय है, अगर आपने अभी भी स्टडी स्टार्ट नहीं करी है तो अगर आप हर एक दिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बैठेंगे, अपने टॉपिक क्लियर करने के लिए बैठेंगे तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम तक अपने कोर्स अपने सिलेबस को कम्प्लीट कर लेंगे। बट उसके लिए आपको स्टडी के लिए बैठना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप कहीं से भी नोट्स ले रहे हैं, आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद के नोट्स एक ज़रूर बनाने हैं, एक आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठो तो उससे पहले आप रिवाइज़ कर सको। अब ऐसा नहीं कि आज मेरा एग्ज़ाम है 10 से 1 तो मैं सुबह रिवाइज़ कर रही हूँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, जो आप प्रिपरेटरी लीव मिलती है उसमें आप उनका शॉर्ट नोट्स का रिविजन करेंगे, साथ ही साथ आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं बात करूँ AHN सब्जेक्ट में टोटल आपके 11 चैप्टर है, तो 11 चैप्टर में अगर आप डिजीजेस देखते हो तो बहुत ज़्यादा डिजीजेस है। अब हर एक डिजीज़ को याद रखना मुश्किल है, अब हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग है, लेकिन अगर हम रोज़ डिजीज़ को पढ़ेंगे और अगले दिन दूसरी डिजीज़ स्टार्ट करने से पहले पहली डिजीज़ को रिवाइज़ करेंगे तो शायद हम एग्ज़ाम तक सारी डिजीज़ को कवर अप भी कर लेंगे और हम भूलेंगे भी नहीं। रिवीजन का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी यूनिट अभी आपके सामने ओपन करी है मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी मेरी पहली डिजीज़ थी मैंने उसको पढ़ा, नेक्स्ट डे मैंने सेकेंड डिजीज़ को पढ़ने से पहले फर्स्ट डिजीज़ को रिवाइज़ करा, फिर थर्ड डे मैंने दोनों डिजीज़ को पढ़ के फिर थर्ड डिजीज़ पे गई, फोर्थ डे मैंने 3 डिजीज़ को रिवाइज़ करा फिर फोर्थ डिजीज़ पे गई। ऐसे क्या होगा, जब मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कम्प्लीट होगा, जो मेरी पहली डिजीज़ होगी वो ऑलमोस्ट 8 to 10 times रिवाइज हो चुकी होगी। सेम एज ऐसे ही अगर मैं हर एक यूनिट का करूँगी, हर एक चैप्टर को इस तरीके से रिवाइज़ करूँगी, हर एक डिजीज़ को रिवाइज़ करूँगी तो लास्ट तक मुझे ना बर्डन फील होगा, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे हर एक चीज़ अच्छे से याद रहेगी। तो ये आपकी पहली टिप है, पहली टिप आपका रिवीजन है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहोगे तो आपको एग्ज़ाम में ना बर्डन फील होगा, साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे होगे तो आपकी प्रैक्टिस से वो चीज़ आपको माइंड में याद होगी, वही पेज जो आपने इतनी बार रिवीजन करोगे वो आपके माइंड में ट्रेस हो जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लोगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसी से आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो अपने 3 घंटे एग्ज़ाम में, क्योंकि उस 3 घंटे में आपको OMR भी भरना होता है, अब तो कॉपी को स्कैन कराने के लिए भी लेके जाना होता है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ऑफकोर्स
कोर्स ही बात है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए आपको अपनी स्पीड, अपना प्रेजेंटेशन मेंटेन करना है। ये सब अच्छे से तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन देके डायरेक्ट आंसर अटेम्प्ट करोगे। अगर आप उस टाइम सोचोगे कि कौन सी डिजीजेस के बारे में हम क्या क्या लिखें, हम क्या और कर सकते हैं, तो उस टाइम में आपका टाइम वेस्ट होगा और एक क्वेश्चन की वजह आप दूसरे क्वेश्चन को भी स्किप करने लगोगे। जब टाइम नहीं होगा तो लास्ट क्वेश्चन आप बहुत छोटे छोटे में अटेम्प्ट करोगे जिससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। साथ ही साथ AHN के लिए आपको पेज मैनेजमेंट भी करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो उसमें आपको 32 पेजेस मिलते हैं एक कॉपी में। तो जो आपके पहली शीट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी शीट है, तो पहला तो हमारा OMR शीट होता है जिसमें आपका पूरा एक पेज चला जाता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर आपकी यहाँ से कॉपी स्टार्ट होती है और लास्ट कॉपी तक आपके 31 पेजेस होते हैं। 31 पेजेस में आपको पूरा AHN अपना मैनेज करना होता है। आपको बी कॉपी, दूसरी शीट, दूसरी कॉपी, दूसरे A4 पेपर्स नहीं मिलते हैं, आपको इसी 31 पेजेस में अपना AHN लाना होता है। अब अटल यूनिवर्सिटी में इतने पेजेस रहते हैं, अब बाकी यूनिवर्सिटी के मे बी अलग अलग पेजेस कॉन्सेप्ट हो, तो आपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रखा है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, सेकेंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, तो आपको एक आइडिया है। मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है, AHN की आपको जो भी कॉपी मिलती है आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आपकी एक ही शीट रहेगी, आपको दोबारा नहीं दूसरी नहीं मिलेगी, आपको उसी में मैनेज करना है। 15 मार्क्स के आपके दो क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि जो आपके दो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो एक 15 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का होगा, तो 30 मार्क्स के तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। तो उनको आपको कैसे करना है, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसको आपको 7 से 8 पेज में लेके जाना है। कोशिश करिएगा 7 पेज में ही आपका आ जाए, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम लिख रहे हो तो थोड़ा सा रह जाता है, तो वो 7.5 से कभी कभी 8 भी हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा वेरी करके बता रही हूँ, वैसे आपको 7-7 पेज लेके चलना है। तो लॉन्ग आपको 7 पेज में कम्प्लीट करना है, दूसरा लॉन्ग भी आपको 7 पेज में कम्प्लीट करना है। फिर आपके MCQ आपको करना है, MCQ के लिए आपको मतलब मिनिमाइज इतना पेज वेस्ट करना है। अब इसको क्या होता है, अब आपके MCQs 12 से 15 आएंगे, तो आपको 6 इस साइड करने, तो आपका पेज मैनेजमेंट बचेगा। फिर उसके बाद ना वेरी शॉर्ट करोगे, वेरी शॉर्ट आपको शॉर्ट में करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके वेरी शॉर्ट 3 आते हैं, तो एक वेरी शॉर्ट आपका आ जाएगा आधे पेज में, एक वेरी शॉर्ट आधे पेज में, दूसरा वेरी शॉर्ट आधे पेज में, और आधा पेज जो आपने यूज़ करा है वो MCQ का हो गया। मतलब कि आपके 14 से 15 पेज लॉन्ग में चले जाएंगे, फिर आपके जो वेरी शॉर्ट और MCQ में 3 पेज चले जाएंगे, इसमें आपको मैनेज करना है। फिर जितने बचेंगे वो आपके शॉर्ट्स में यूज़ होंगे, आप शॉर्ट आंसर के लिए फिर पेज यूज़ करोगे। शॉर्ट में आपको लेके जाना है 2 से 2.5, और अगर आपको कंटेंट बहुत आ रहा और एक में कम आ रहा है तो एक को आप 2 में कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन को आप 3 में कर सकते हैं। ये मैनेज आपको करना है एग्ज़ाम टाइम पे, ये आपकी दूसरी टिप है, या आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर आप कम पेज में और कम टाइम में अच्छा कंटेंट नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो तो आप AHN में स्कोर भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो लॉन्ग 15 मार्क्स में तो हम 15 पेजेस लिखें, तो आप 15 पेज लिखिए, लेकिन आपके बाकी के क्वेश्चंस आपके वेस्ट हो जाएंगे, आप ना उसमें लिख पाएंगे और ना आपके पास टाइम होगा। कभी कभी क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ते हो, हमें उस टाइम पे नहीं आता है, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखें। तो उस टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना है सबसे पहले ना, और देखना है ये जो डिजीज़ आपके क्वेश्चन पेपर में आई है, जो आपको नहीं आती है, वो किस यूनिट से है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन से है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, एंडोक्राइन से है, आपको उस सिस्टम का पता लगाना है। फिर आपको याद करना है कि ये किससे कोरिलेट कर सकते हो। फिर आपको थोड़ा सा डेफिनेशन जो से मीनिंग समझ में आ रही लिखे, नहीं आ रही तो आप डेफिनेशन छोड़ सकते हैं। एटियोलॉजी आप थोड़ी थोड़ी हर एक डिजीज़ की लिख सकते हो उस सिस्टम से, क्योंकि हर एक सिस्टम में थोड़ी आपकी एटियोलॉजी सेम हो जाती है, आपका मैनेजमेंट सेम हो जाता है, आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम हो जाता है, आपका मैनेजमेंट सेम हो जाता है, आपका डिफरेंस डेफिनेशन और पैथोलॉजी में है। अगर आप हर एक डिजीज़ की डेफिनेशन पैथोलॉजी भी अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका AHN सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। AHN सब्जेक्ट के लिए मेरी तीसरी टिप थी कि आपको हर एक सिस्टम के हर एक डिजीज़ का नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए, इससे आपको रिलेट करने में आपको बहुत हेल्प होगी। कभी भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले अपनी स्टेशनरीज मटेरियल को एकदम रेडी रखिएगा। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस हो और डायग्राम की लेबलिंग बहुत अच्छे से आपको आती हो। क्यों? क्योंकि जब आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आप डायग्राम भी बनाओगे, और ऐसा मत करिएगा कि पूरे पेज में एक डायग्राम बना दिया, नहीं, आपको पेज मैनेज करना है तो डायग्राम का साइज़ और उसकी लेबलिंग थोड़ी सी छोटी कर लीजिएगा। आपको डायग्राम इतने स्पेस में कवर अप करना है, साथ में लेबलिंग करनी है, और डायग्राम आप अपने पेंसिल से ही बनाएंगे, लेबलिंग हाँ पेन से कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पेन से अच्छा बनाते हैं, पेंसिल से नहीं। आपको पेन बना सकते तो बना लीजिए, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा है। मैं आपसे इसलिए कहती हूँ पेंसिल से बनाएं, क्योंकि कभी कभी हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में इतने पैनिक हो जाते हैं, हम लोग गलत डायग्राम बना देते हैं।
लेबलिंग भी गलत कर देते हैं। तो मैं डायग्राम पेंसिल से बनाती हूँ और लेबलिंग भी पेंसिल से करती हूँ, तो आपको जैसा कन्वीनियंट हो आप वैसा करिए, लेकिन डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर आपने मेरे लेक्चर वीडियोस देखे होंगे या फिर जो मैंने PDF शेयर करी थी टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपने देखा होगा हर एक यूनिट में मैंने डायग्राम शेयर करा है। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट में अगर हम लोग डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी बहुत हेल्प करेगी। अब बहुत कन्फ्यूजन आता है डायग्राम के लिए, तो सबसे पहले इस पॉइंट में हम अपने डायग्राम्स को क्लियर कर लेते हैं कि कैसे डायग्राम आपको प्रिपेयर करने हैं। तो जैसे कि आपकी 11 यूनिट हैं, हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका सारा डाउट एक साथ क्लियर हो जाए AHN सब्जेक्ट के लिए। तो AHN सब्जेक्ट में जो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, उसमें आपका कोई डायग्राम नहीं आता। यूनिट 2 पैरी ऑपरेटिव नर्सिंग में भी आपका कोई डायग्राम नहीं आता। यूनिट 3 कॉमन साइन एंड सिम्टम्स में भी आपका कोई डायग्राम नहीं आता। यूनिट 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका डायग्राम आता है। आप डायग्राम में क्या बनाओगे, वो सबसे पहले आप अपने नोज, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स करके ट्रैक किया, फिर आप उसके प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड करोगे ब्रोंकाई को, फिर आप लेफ्ट और राइट लंग्स को बनाओगे, डायफ्राम, कार्डियक नॉच, प्लूरा, उसकी लेबलिंग कर दोगे। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम हो जाएगा। जब आप GI सिस्टम में आते हो, मैं आपको एक बार डायग्राम फिगर भी दिखा देती हूँ जिससे आपका उस टाइम कोई डाउट ना हो कि हमें कौन से डायग्राम प्रिपेयर करने अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम पर्पज़ से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस टाइम आपके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरा कहने का था रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप इस डायग्राम को अपना प्रिपेयर करेंगे। अगर आप ये डायग्राम प्रिपेयर करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपकी कोई भी डिजीज आएगी आप इस डायग्राम को इजीली बना सकते हैं। साथ ही साथ इसकी लेबलिंग भी इजी, क्योंकि आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो तो इसमें आपका कोई नई बात नहीं है, आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक में स्पेस है तो आप बुक में बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से शॉर्ट पेज में बना के आप अपने बुक में रखिए। जितनी बार रिविजन करेंगे उस डिजीज़ का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उतनी बार इस डायग्राम को देखिए, फिर उस डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, उतना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आना चाहिए जो माउथ टू एनस होता है। फिर आपको डायग्राम आना चाहिए स्टमक का, लीवर का आना चाहिए, आपको गॉल ब्लैडर का आना चाहिए और पैनक्रियास का आना चाहिए। ये देखिए GI सिस्टम था, GI सिस्टम के पास में एक पेज फ्री था तो उसमें हमने डायग्राम कर लिया और डायग्राम की सारी लेबलिंग मेंशन है। तो ये जितनी बार मैंने रिवीजन करा उतने बार डायग्राम का रिवीजन हो गया, उसकी लेबलिंग का रिवीजन हो गया। तो ये एक क्या होता है, प्लस पॉइंट होता है। ये सारी चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी ये सारी चीज़ को कॉपी करिए और आपकी भी बहुत हेल्प होगी एग्जाम पर्पज़ से लिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है यूनिट कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर में आपको सिर्फ एक डायग्राम प्रिपेयर करना है हार्ट का। अगर आपको याद हो अटल यूनिवर्सिटी में जो इस बार एग्जाम होता है जो मैंने दिया था, उसमें 15 मार्क्स में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आया था और एक आपका कार्डियक सिस्टम का आया था। तो हार्ट का डायग्राम मैंने एक दिन पहले हार्ट का डायग्राम की प्रैक्टिस करी थी। मैं लिटरली बता रही हूँ, एक हार्ट का डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता। फिर मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक देखी, इसको 3 से 4 बार बनाया। पहली बार मेरा इतना गंदा डायग्राम बना था, 3 से 4 बार बनाया, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करने का, फिर मुझे लगा था अगर एग्जाम में आ गया तो शायद ही मैं इसको बनाऊंगी वरना मैं स्किप कर दूंगी। बट एग्ज़ाम में आया तो मैंने प्रैक्टिस करके गई थी, तो फिर मैंने बनाया और बहुत अच्छा डायग्राम बना था। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ था कि एक दिन पहले की मेहनत काम आई। तो फिर आपका आता है यूनिट 7। अगर मैं बात करूँ यूनिट 7 आपका ब्लड से, तो ब्लड में आपका कोई खास डायग्राम नहीं है। अगर कोई डिजीज़ आ रही है जैसे कि अनीमिया आ रही है, तो आप सिकल सेल अनीमिया तो एक नॉर्मल RBC बना सकते हो और सिकल शेप की अनीमिया वाली में आप RBC बना सकते हो। और अनीमिया तो आप ब्लड वेसल्स में नॉर्मल दिखा सकते हो कितने ज़्यादा आपके RBCs हैं, और अनीमिया में वही RBCs कॉर्पसल्स को आप कम करके दिखा सकते हो। तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कैसे शेयर करना चाहते हो, वैसे कोई खास नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में आपको थायराइड का डायग्राम आना चाहिए, पैराथायराइड का डायग्राम आना चाहिए, पेनक्रियास का आना चाहिए, पिट्यूटरी और एड्रेनल का आपको डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम बहुत शॉर्ट में है एंडोक्राइन सिस्टम में, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है थायराइड और पैराथायराइड को। आपको पता है आपके जो ये ग्लैंड आती हैं थायराइड, उसकी के आके 4 होते हैं, 2 सुपीरियर में 2 इन्फीरियर में, वही आपके PTH उसी को हम लोग कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। तो आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैंने अपनी डिजीज़ कंडीशन के ऊपर ही कर लिया था, जिससे जितनी बार मैं डिजीज़ कंडीशन करूँ तो शायद उतनी बार मैं अपने डायग्राम को कवर अप कर लूँ। हम लोगों ने पेनक्रियास को तो कवर अप कर लिया था हमारे GI सिस्टम में, तो उसको नहीं करने की ज़रूरत। फिर हमने पिट्यूटरी करी थी, पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, साथ ही साथ लेबलिंग। लेबलिंग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम क्या है कि आप थोड़ा सा इधर उधर कर दोगे एक सेकंड के लिए चल जाएगा, लेकिन लेबलिंग इट्स मच इंपॉर्टेंट। तो लेबलिंग की आप प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है स्किन इंटीग्रोमेट्री। स्किन में आप ये डायग्राम बना सकते हैं जिसमें आपका मेन
स्किन में क्या आते हैं, लेयर्स आती हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस, आपकी हाइपोडर्मिस, उसके बाद में फिर आपके स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो आपके इंटीग्रेटरी सिस्टम को पावर अप करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 10। यूनिट 10 में मेनली आपको किसका डायग्राम आना चाहिए, बोन्स का, टाइप्स ऑफ बोन आना चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस में कैसी बोन हो जाती है, ऑस्टियोमेलाइटिस में कैसी हो जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो डिजीजेज हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है, आपको पेगेट डिजीज है, पॉट स्पाइन है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बोन होती है उसका कैसा शेप हो जाता है। अगर आप इसको करोगे तो आपका कवर अप हो जाएगा। फिर आपका आता है यूनिट 11। यूनिट 11 में साफ बताओ तो कोई खास ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। जैसे मलेरिया है तो आप लाइफ साइकिल बनाओगे तो आप उसको डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस तरीके से शेयर कर सकते हो, जैसे कोविड-19 है तो उसका वायरस बना दिया आपने, या वेरिसेला वायरस है तो उसका डायग्राम बना दिया। कोरोना वायरस का डायग्राम इसलिए आता था क्योंकि जब माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें वायरसेस आए थे, तो कुछ वायरसेस प्रिपेयर कर रहे थे, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस, तो उसके डायग्राम से ही मैंने इस डायग्राम को अपना प्रिपेयर कर लिया था। बस आपको इतने डायग्राम्स प्रिपेयर करने हैं अपने AHN सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए। AHN सब्जेक्ट में आपको कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट्स होते हैं जो आपके हर एक डिजीज़ में मैनेज आ सकते हैं। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में आपके कुछ ही पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले AHN सब्जेक्ट में अगर कोई भी डिजीज़ आ रही है तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में आप उसकी इटियोलॉजी लिखेंगे, इटियोलॉजी मतलब कॉजेस, फिर आप लिखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, फिर आप लिखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स, फिर आप लिखेंगे उसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी आपका 3 टाइप्स में आता है, एक आपका होता है मेडिकल मैनेजमेंट, एक आपका होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, एक आपका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप हर डिजीज़ में लिखते हो, जैसे कि मैंने 5 से 6 पॉइंट्स प्रिपेयर करे थे जो मैंने हर एक डिजीज़ के लिए करा था। जैसे कि असेस करेंगे जनरल कंडीशन, पहला पॉइंट, असेस करेंगे वाइटल साइंस, प्रोवाइड करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन, असेस करेंगे मेंटल स्टेटस, कॉन्शियस है, एंजाइटी है कि नहीं है, फिर असेस करेंगे डाइट पैटर्न, फिर प्रोवाइड करेंगे हेल्थ एजुकेशन। तो ये 6 पॉइंट हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के, आप हर एक डिजीज़ में डाल सकते हैं। फिर आपकी आती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके 8 से 10 पॉइंट हैं, आप हर एक डिजीज़ में लिख सकते हैं। अगर आपको डिजीज़ के बारे में नहीं आ रहा है तो आप इन सारी चीज़ों को लिख के उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, पेशेंट असेसमेंट, मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे, राइट्स करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, एम्पैथी और सिंपैथी करेंगे, प्रोवाइड करेंगे केयर, साथ ही साथ उसको आप इमोशनल सपोर्ट करेंगे, केयर गिवर होंगे, इन्फेक्शन से उसको कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे केयर के साथ, और आप उसके एज अ एडवोकेट वर्क भी करेंगे। तो ये कुछ आपके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप हर एक डिजीज़ कंडीशन में मेंशन कर सकते हैं। फिर आपकी आती है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब मैं बात करूँ नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो आपको जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनकी नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मस्कुलर स्केलेटन में फ्रैक्चर की प्रिपेयर कर लेनी है नर्सिंग डायग्नोसिस। जब आप उसकी प्रिपेयर करोगे तो फ्रैक्चर मतलब उस यूनिट से रिलेटेड आपकी कोई भी डिजीज़ है तो आप थोड़े से चेंजेस करके वो नर्सिंग डायग्नोसिस को इंप्लीमेंट कर दोगे। आपको नर्सिंग डायग्नोसिस किस यूनिट की प्रिपेयर करनी, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप उसकी प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि आप सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रिपेयर कर लीजिए, GI सिस्टम की प्रिपेयर कर लीजिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की प्रिपेयर कर लीजिए, आप अपनी मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम की प्रिपेयर कर लीजिए नर्सिंग डायग्नोसिस। अगर आपने इन 4 यूनिट की नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर कर ली तो आप किसी भी यूनिट में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको प्रिपेयर करके बना सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस और NCP सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे, लॉन्ग आपके 2 होंगे, तो इसका मतलब आपको नर्सिंग डायग्नोसिस सिर्फ 2 क्वेश्चन में करना और 3 NCP बनाना है। तो आप 4 से 5 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखोगे और 3 NCP बनाओगे। जब एग्जाम आएगा तो मैं इस चीज़ को एकदम सेपरेट वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, तो COPD की अलग नर्सिंग डायग्नोसिस, अस्थमा की अलग, निमोनिया की अलग, पल्मोनरी एम्बोलिस की अलग, ये ना करके आपको एक कॉमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है जो हर एक डिजीज़ पे हो जाए। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकोगे। जब आज आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और आप अच्छे से नर्सिंग डायग्नोसिस बना के NCP कर लोगे। तो ये एक आपकी लास्ट टिप थी AHN एग्जाम के लिए। AHN सब्जेक्ट में अगर आप ये सारी चीज़ फॉलो करो तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत अच्छे से होगा, साथ ही साथ आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। AHN सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। AHN सब्जेक्ट के लेक्चर्स वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की, जिससे आपको हर एक यूनिट की
मिल जाएंगे। हाँ, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, अभी हम लोगों ने कुछ यूनिट्स को कवर अप करा, जल्दी हम AHN सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे हमने EMS पब्लिकेशन की पूरी PDF अपलोड कर दी है, आप जाके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इजी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिएगा, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, आप ChatGPT गूगल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हर एक चीज़ को अपने कन्वीनियंट बना सकते हैं। जब आपके पास रिसोर्सेज है आप उसका यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। आपका कोई भी डाउट हो AHN सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर BSc नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।